और सिंपल फॉर्म में चेंज होने के बाद मेरी बॉडी के थ्रू इसका एब्जॉर्ब कर लेना. दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन द एनिमल. ठीक है ना. तो फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका, इंजेक्शन होगा, दैट वॉज द इनटेक ऑफ फूड. देन आफ्टर डाइजेशन, दैट वॉज वॉट एवर द फूड विच आई एम टेकन, इट विल बी कन्वर्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर. जो फूड हमने खाया है वो खाना कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में चेंज होगा. और जब वो खाना सिंपल में चेंज हो जाएगा, तो सिंपल में चेंज होने के बाद मेरी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन, मतलब उस एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट्स को उनकी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, जिसकी जहां पे जरूरत है उसको वहां पर भेज देना, दैट विल बी कॉल्ड एज एसिमिलेशन. ठीक है ना. और लास्ट में जो बचा हुआ खाना है, दैट विल बी कॉल्ड एज इजेशन, उसको बाहर निकाल देना. जो बचा हुआ फूड है उसको हमारे हमारी बॉडी से बाहर निकालना, दैट विल बी कॉल्ड एज इजेशन. ठीक है बच्चों. तो ये कुछ प्रोसेसेस थे, दैट वाज द पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन इन द एनिमल. नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन द अमीबा. अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होगा बच्चों, याद रखो, अमीबा इज द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. अमीबा इज द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका न्यूट्रिशन हम सभी से अलग होगा. याद रखो, अमीबा इज द यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसको देखने के लिए यू आर मस्ट हैव द माइक्रोस्कोप. आपके पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए इसको देखने के लिए. ठीक है, चलो अभी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं. देन यू ऑल शुड रिमेंबर दैट वेन एवर द अमीबा विल मूव, जब कभी भी अमीबा मूव करेगा तो अमीबा के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सुडोपोडिया. क्या बोलेंगे हम उसको, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सुडोपोडिया. इट इज ऑल्सो नोन एज फॉर. हाँ बेटा बोलो. सर हाइड्रोफिलिया क्या होता है? क्या हाइड्रोफिलिया? हाँ सर, हाइड्रा एंड सिलिया. सर इजिशन वाले, सर इजिशन के नीचे वाले पहले ग्राफ में लिखा है. हाइड्रा बेटा एक तरह का एनिमल है. इजिशन के नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है. एक मिनट. टेंटिकल्स इन द हाइड्रा एंड सीलिया इन पैरामीशियम. हाँ बेटा, ये लोकोमोटरी ऑर्गन ना. टेंटिकल्स तो आपने बताया नहीं, आप सिर्फ हाइड्रा बोल रहे हो. हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक एनिमल है. उस एनिमल को मूव करने के लिए वो टेंटिकल्स का यूज करता है. मतलब देखो बेटा, हर एनिमल का अपना अपना लोकोमोटरी ऑर्गन अलग है. भगवान ने मुझे पैर दिए हैं चलने के लिए, तो मैं अपने लेग्स का यूज करता हूँ लोकोमोशन करने के लिए. वैसे ही हाइड्रा अपने टेंटिकल्स का यूज करता है. टेंटिकल्स क्या होते हैं? टेंटिकल्स एक स्ट्रक्चर होते हैं जो आगे की तरफ निकले होते हैं. ठीक है, वो अपने टेंटिकल्स का यूज करता है लोकोमोशन करने के लिए. लोकोमोशन का क्या मतलब होता है? लोकोमोशन मीन्स टू चेंज प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना. एंड सीलिया इन द पैरामीशियम. पैरामीशियम के चारों तरफ एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर जैसे दिखता है आपको. देखो मैं बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ऑल ऑफ यू सी सीलिया का डायग्राम कैसा होता है. देखा है? डायग्राम दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है ना. दिस इज द हाइड्रा, सॉरी दिस इज द पैरामीशियम. ये पैरामीशियम है, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर. जैसे हमारा पैर का चप्पल होता है ना, स्लीपर, ठीक वैसे ही शेप होता है इसका, इसका पैरामीशियम का. ये आप देख रहे हो साइड साइड में, ये सब क्या है? दीज आर द लोकोमोटरी ऑर्गन. ये सीलिया के अंदर लोकोमोशन करवाने का काम करते हैं. जैसे अमीबा है, तो अमीबा के अंदर ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये सब क्या है, क्या बोलते हैं इसको? सुडोपोडिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सुडोपोडिया. और सुडोपोडिया के अलावा इसका एक और नाम है. सुडोपोडिया तो हम बोलते ही है, इसके अलावा क्या बोलते हैं इसको? फॉल्स लेग.
इट इज बीइंग कॉल्ड एज अ फॉल्स लेग, ठीक है, मतलब दिस इज नॉट अ लेग लाइक अस, इसके पास जो लेग होगा वो हमारे लेग की तरह नहीं है, क्योंकि ये क्या है, यूनिसेलुलर, इसके अंदर केवल एक ही सेल है, हमारे बॉडी में थोड़ी कोई एक सेल है, भाई हमारे बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन अमीबा के अंदर एक ही सेल है, तो जिस तरह का लेग हमारी बॉडी में होता है वैसा लेग इसकी बॉडी में नहीं मिलता, इसीलिए हमने क्या नाम दे दिया इसको, फॉल्स लेग, ये लेग तो है लेकिन कैसा है, फॉल्स है, मतलब नकली, गलत, ये एक ऐसा लेग है जिसको लेग नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम उसको लेग कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसी की वजह से, इस सुडोपोडिया की वजह से ये अमीबा मूव करता है, बात समझ में आ गई, देखो yes, हम लोग यहाँ पर न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इन द अमीबा, देखो बच्चों आसपास जहां कहीं भी फूड अवेलेबल होगा ना, तो उस फूड के पास में अमीबा जाएगा, उस फूड के पास में अमीबा जाएगा, और अमीबा के आसपास, अमीबा के चारों तरफ जो सुडोपोडिया है, वो सुडोपोडिया उस अमीबा को फूड के पास में लेके जाएगा, यू ऑल कैन सी ऑन द बोर्ड, देखो ये रहा आपका अमीबा, ये अमीबा है और ये रहा आपका फूड, ठीक है, तो जब कभी भी फूड अवेलेबल होगा, वेन एवर द फूड विल बी लोकेटेड नियर बाय द अमीबा, सो द अमीबा विल स्लोली स्लोली मूव टुवर्ड्स द फूड, ओके, एंड वेन द फूड विल बी नियर बाय द अमीबा, जब ये फूड अमीबा के पास में आ जाएगा, तब अमीबा का जो एक्सटर्नल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाली जो लेयर है ना बाहर वाली, दिख रही सभी को, ये लेयर, लेयर बाहर वाली, ये दिस इज द एक्सटर्नल लेयर, ये लेयर धीरे 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 इस फूड को एंगल्फ करना शुरू कर देगी, एंड स्लोली स्लोली द फूड विल गो इन साइड दी इन द कैप्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस फूड विल गेट कैप्चर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चिल्ड्रन यू ऑल कैन सी इन द पिक्चर, आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, फिगर 2.1 इन योर टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक में फिगर 2.1 में देखो दिया हुआ है आपको, पहले फूड पार्टिकल कहाँ था, उसके बाद में फिर अमीबा जब पास में गया, तो अमीबा ने धीरे धीरे अपने सुडोपोडिया को, अपना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, फूड के चारों तरफ करना शुरू कर दिया, पिक्चर नंबर वन में फूड पार्टिकल और अमीबा दूर दूर है, सेकेंड नंबर में अमीबा और फूड पार्टिकल पास पास में आ गए, थर्ड नंबर में फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर लगभग चला गया है, और फोर्थ नंबर में अंदर आ ही गया, ठीक है, सो अल्टीमेटली इन द शॉर्ट और इन अ सिंगल लाइन यू ऑल कैन से दैट अमीबा विल यूज, ऑल ऑफ यू बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, इसकी आवाज आ रही है, समवन माइक इज ऑन, रिप्टी माइक इज ऑन, यस, सो नाउ इन शॉर्ट वी कैन से दैट द अमीबा विल यूज इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एंगल और टू कैप्चर द फूड, जब कभी भी अमीबा के पास में अगर फूड अवेलेबल होगा, तो अमीबा अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूज करेगा अपने नियर बाय अवेलेबल फूड को कैप्चर करने के लिए, बात समझ में आ गई, दैट्स ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन द अमीबा, ठीक है, नाउ द नेक्स्ट नंबर, ऑल ऑफ यू प्लीज टर्न ओवर द पेज नंबर 26, नाउ न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन, अब अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, तो ह्यूमंस में भी लगभग एक जैसा ही काम होगा, देखो बच्चों मैं आप लोगों को पूरा पूरा समझा देता हूं, न्यूट्रिशन कैसे होगा, अगर आप लोगों को याद हो बच्चों, तो पिछली बार मैंने आपको बोर्ड में पूरा पूरा डायग्राम बनाया था मैंने, कहां कहां पे क्या क्या होगा, कहां पे किस, कहां पे, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोल, नहीं समझ में आया, और वो जो माइक ऑन करती है ना, तो उसकी आवाज हमें नहीं सुनाई देती, हाँ तो बेटा क्या नहीं समझ में आया बोलो, सर सर इसको पिसोपीडिया नहीं समझ में आया, पिसोपीडिया नहीं समझ में आया,
क्या समझ में नहीं आया ये? सुडोपोडिया। सुडोपोडिया बेटा ये जो आप देख रहे हो ना, देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको बोर्ड पे। दिस डायग्राम ऑफ अमीबा इज व्हेन द अमीबा विल मूव। अमीबा ऐसा आपको कब दिखेगा? जब अमीबा मूव करेगा। लेकिन मान लो अगर अमीबा चुपचाप एक जगह पे बैठा हुआ है तो उसका डायग्राम कैसा होगा, कैसा पिक्चर होगा उसका? When the amoeba will move, तब कोई भी अगर अमीबा मूव करेगा, बच्चों याद रखो अमीबा क्या है, यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एक ही सेल है। अगर अमीबा मूव करेगा उस सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो भी मूव करेगा, है ना। तो वो लिक्विड अगर मूव करेगा तो लिक्विड के मूव करने की वजह से अमीबा का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल फील अ प्रेशर, ड्यू टू विच द शेप ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल गेट डिफरेंट शेप। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उसका शेप अलग अलग हो जाएगा। इसकी वजह से अमीबा जो पहले ऐसा दिख रहा था, जब अमीबा स्टेबल था, जब एक जगह पर चुपचाप बैठा हुआ था तो अमीबा ऐसा था, लेकिन जब अमीबा मूव करना शुरू कर देगा तो उसका शेप ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो ना आप, ये वाला पार्ट, दिस वन विल बी कॉल्ड एज अ सुडोपोडिया, ठीक है। दीज आर द लोकोमोटरी ऑर्गन जिसकी वजह से, जिसके शेप की वजह से ही अमीबा मूव कर पाता है। हाँ बोलो बोलो बेटा। कुछ बोलना है सारा? तृप्ति दूसरा बोल रही थी। हाँ तृप्ति बोलो, क्या बोलना है? नो सर, उसे माइक की प्रॉब्लम है ना, इसलिए उसकी आवाज नहीं देती। कोई बात नहीं, जो भी होगा, जिस जिसने जो कहा सो कहा, मैंने जो कहा वो सुन दिया आप लोगों को, अभी कोई डाउट? नो सर नो डाउट, नो सर नो डाउट। चलो तो नाउ लेट्स हैव अ स्टार्ट न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन। तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे होगा? न्यूट्रिशन का मतलब दैट वाज द मोड ऑफ इनटेक फूड। आप किस मोड से फूड को अपनी बॉडी में लेते हो, दैट मोड विल बी कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशन। अब बच्चों देखो, अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं भी एक एनिमल हूं, ठीक है ना, मेरे अंदर भी इंजेक्शन होगा, मेरे अंदर भी डाइजेशन होगा, मेरे अंदर भी एब्जॉर्प्शन होगा, मेरे अंदर भी एसिमिलेशन होगा, मेरे अंदर भी इजेक्शन होगा। मतलब जो प्रोसेस आपने फर्स्ट में पढ़ी थी ना शुरू शुरू में, इंजेक्शन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन और इजेक्शन, ये सारे काम मेरे बॉडी में भी होंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पर एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स, तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के डाइजेशन को, ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन को थोड़ा डिटेल में बता दिया है, ठीक है ना। वॉट दे हैव टोल्ड कि न्यूट्रिशन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टीथ, बिकॉज वॉट वी यूज टू टोल्ड दैट डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। डाइजेशन जो होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, और माउथ में गॉड ने हमें क्या दिया है, टीथ। विद द हेल्प ऑफ टीथ वी विल क्रश द फूड, वॉट एवर द फूड विच आई एम ट्राइंग टू टेक इन माई बॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट फूड विल बी क्रश। उस फूड को मैं सबसे पहले क्रश करूंगा, और क्रश करने के बाद उसको अपने स्टमक में डालूंगा, ठीक है। बच्चों एक बात आप लोग याद रखना, न्यूट्रिशन इन द एनिमल, न्यूट्रिशन इन द एनिमल is the way that how the animals are Hello. taking food in their body. Hello sir. हाँ बेटा बोलो। हाँ सर, अब आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ बेटा आपकी आवाज आ रही है। सर मुझे एक डाउट था, आपने पता है कभी एक और डायग्राम ड्रॉ किया था, वो उसमें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। कौन सा डायग्राम बेटा? सर आपने ओवल सा एक डायग्राम किया था ना, उसमें सर आपकी आवाज चली गई थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया।
देखो अभी भी वो डायग्राम दिख रहा है बोर्ड पे? सर शी इज टॉकिंग अबाउट पैरामोशियम. अच्छा अच्छा पैरामिशियम पैरामिशियम. ओके तृप्ति ऑल ऑफ तृप्ति प्लीज सी ऑन द बोर्ड. ओके ये बताओ ये आपको दिख रहा है जगह यहाँ पे? ये दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा है. यस सर दिख रहा है. यस सर दिख रहा है. देखो दिस विल बी द शेप ऑफ पैरामीशियम. पैरामीशियम बेटा इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. दिस विल बी द शेप ऑफ द पैरामीशियम. और पैरामीशियम के आसपास देखो यहां पर ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे. बहुत ही फाइन स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विल बी सीन. तो मैं क्या बोलूंगा? दिस विल बी कॉल्ड एज सीलिया. दिस विल बी कॉल्ड एज अ सीलिया कहते हैं. क्या काम होता है सीलिया का? द फंक्शन ऑफ द सीलिया विल बी लोकोमोशन. मतलब इस पैरामीशियम को अगर मूव करना है, इसको अगर वन प्लेस टू एनी अदर प्लेस मूव करना है, इसको यहां से कहीं और जाना है, तो आने जाने के लिए मूव होने के लिए ये किसका यूज करेगा? सीलिया का यूज करेगा. ठीक है ना? कुंजेश ने यही पूछा था कि सर वो टेंटिकल्स इन द हाइड्रा एंड सीलिया इन द पैरामीशियम का क्या मतलब है. तो मैंने वही आपको समझाया. टेंटिकल्स इज द लोकोमोटरी ऑर्गेन ऑफ हाइड्रा. टेंटिकल्स आर द लोकोमोटरी ऑर्गेन ऑफ हाइड्रा एंड सीलिया इज द लोकोमोटरी ऑर्गेन ऑफ अमीबा. ठीक है? यही डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पर. ठीक है? ओके तृप्ति. यस सर. यस सर अंडरस्टूड. Okay, now students, please come back. Now, right now we are going to discuss the big topic that was nutrition in the human. Let me clean the board so that I can write it down the other topics also, subtopics, those who are given there. The main topic will be the nutrition in the human. Nutrition in human. Okay. Now here, that was the types of teeth. Types of teeth. अब अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर अमीबा के डायग्राम की हमें कोई जरूरत नहीं है. टाइप्स ऑफ टीथ बच्चों, यू ऑल नो हमारे बॉडी में फोर टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं. द फ्रंट वन दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्या बोलते हैं उसको बताओ तो. फ्रंट वन को फ्रंट टीथ विच वी आर हैविंग दैट विल बी कॉल्ड एज अ इंसीजर. इंसीजर के जस्ट साइड में क्या होते हैं? दो नुकीले से होते हैं. कैनाइन. और हाँ बच्चों, हमारे टीथ की एक बहुत ही खास बात है. हमारे हमारे माउथ में टीथ दो सेट में मिलते हैं, एक अपर जॉ में और एक लोअर जॉ में. अपर जॉ और लोअर जॉ में नंबर ऑफ टीथ एकदम बराबर होते हैं, सेम टू सेम होते हैं. 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं. ठीक है? तो जो सेट आपको ऊपर मिलता है, वट एवर द सेट ऑफ टीथ विच विल बी फाउंड इन द अपर जॉ, द सेम विल बी existing in the lower jaw also. And the places Excuse will also be the same. Because the place hoga, ek minute. Nahin, right now I'm talking about the human being. Nahin sir, human being mein bhi kisi ka pata extract daat nikal jata hai, do daat ke upar se. Jo niche wala jaw mein kabhi kama nahi nikalta hai. Ye niche wale jaw mein nikal jata hai, do daat ke bich mein ek naya new daat, to phir upar wale mein nahi nikalta hai. बट दैट नॉट द रूटीन ना बेटा. देखो बेटा, अब देखो अगर ऐसे अगर आप देखोगे तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हैंड्स में सिक्स फिंगर्स होती हैं. बट दैट सिक्स फिंगर इज नॉट वर्किंग. बट दैट नॉट द रूटीन ना. दैट नॉट द रूटीन मतलब ऐसा नहीं है ना
कि हमारे पेरेंट्स के वो मैक्सिमम पॉपुलेशन में मिलना। देखो बेटा, कोई भी रूल बनाया जाता है, रूल्स हमेशा बनते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के बेसिस पर। मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग्स में सारी पोजिशनिंग एक जैसी होती है, दैट्स व्हाई वी हैव मेड द रूल। इसीलिए जो हमारा डेंटल फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला में कहीं भी आपको जीरो नहीं मिलता, जबकि अगर आप रैबिट की बात करोगे, अगर आप रैट की बात करोगे, देन वी आर हैविंग द जीरो इन द डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला के बीच में जीरो भी होगा, मतलब सबसे पहले होगा दैट वाज द इंसीजर, दैट वाज देन आफ्टर कैनाइन, वहां पर भाई दे आर द हर्बीवोर्स, उनके उनके बॉडी में कैनाइन का कोई रोल प्ले तो होगा नहीं, वहां पर जीरो होगा। बेटा किसी का माइक बार बार ऑन हो जा रहा है, प्लीज अपने माइक को बंद करो। त्रिशा रोजमाला, त्रिशा म्यूट योर माइक। अगर मैं रैबिट की बात करूं तो रैबिट इज एनिमल विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हर्बीवर्स। भाई उसको तो केवल घास खाने हैं और प्लांट्स और प्लांट के प्रोडक्ट को ही ईट करना है, वो कोई एनिमल्स को तो ईट करेगा नहीं, तो उसके बॉडी में या फिर उसके माउथ में कैनेन्स का क्या रोल प्ले है? कोई रोल प्ले नहीं है, तो वहां पे जीरो आ जाएगा। लेकिन वी एज अ ह्यूमन बींग, वी आर द ओमनीवर्स। ह्यूमन बींग्स आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ ओमनीवर्स। We used to eat animals also and the plant also. That's why the both type of the teeth will be exist in our mouth. Hamara mouth mein that was incisor teeth bhi milega, canine bhi milega, aur molar aur premolar aur molar se milta hai, sab mein milta hai. Theek hai? To jahan tak agar mouth mein hamare teeth ki locations ka sawal hai, agar types of teeth ka sawal hai, to sabse front mein kya milega? That was the incisor. It is also known as the cutting teeth. क्योंकि ये काटने के काम आता है। इसके जस्ट साइड में दो नुकीले नुकीले होंगे टीथ, दो नुकीले पॉइंटेड टीथ होंगे, दे विल बी कॉल्ड एज अ कैनाइन, देन आफ्टर प्री मोलर एंड देन आफ्टर द मोलर। ठीक है, प्री मोलर एंड द मोलर दे बोथ विल बी यूज टू ग्राइंड द टीथ, टू ग्राइंड द फूड। मोलर और प्री मोलर दोनों तरह के टीथ का हम यूज करते हैं फूड को ग्राइंड करने के लिए। जब कभी भी आप खाने को चबाते हो तो चबाते चबाते वो फूड पार्टिकल आपके माउथ के सबसे पीछे वाले टीथ के पास जाना चाहिए। कौन धक्का मारता है उसको? प्रीमोलर। प्रीमोलर विल क्रश एंड पुश द फूड बैक साइड सो दैट इट विल बी मोर क्रश व्हेन इट विल कम इन बिटवीन मोलर। ठीक है, तो भाई ये तो टाइप्स ऑफ टीथ हो गए। Now let's have a talk about the tongue. अब अगर मैं tongue की बात करूं, tongue is the organ, it is the muscular organ which was given by the god in between the teeth. Now this organ will work in a two way. First of all, it will push the food between the teeth. Food जो बार बार हमारे mouth के बीच में आ जाएगा, उसको बार बार बीच से हटा हटा के push करेगी। कहां पे? Side में। साइड साइड में क्या है? टीथ है। ठीक है ना, तो वो फूड जब आप फूड खाते हो तो आप अपने टीथ के नीचे तो फूड रखते नहीं हो, आप रखते कहां हो? टंग के ऊपर। तो टंग क्या काम करती है? टंग आपके फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। ठीक है, सलाइवा के साथ मिक्स करने के बाद आपके फूड को टीथ के नीचे, दोनों टीथ के नीचे डाल देती है ताकि वो फूड क्रश हो जाए और उस फूड के टेस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्म करती है। बात समझ में आ रही है? पक्का? द टंग विल लेट यू नो अबाउट द टेस्ट ऑफ द फूड। द टंग विल लेट यू नो अबाउट द टेस्ट ऑफ द फूड। जो टंग है वो आपको फूड के टेस्ट के बारे में बताएगी, इसके अलावा आपके फूड को टीथ के नीचे पुश करेगी, इसके अलावा आपके फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करेगी। तो ये तीन तरह के मेन काम होते हैं किसके? टंग के। नाउ बच्चों देखो, फर्स्ट नंबर इंजेक्शन। इंजेक्शन इज द प्रोसेस इन विच वी एज अ ह्यूमन बीइंग वी विल टेक द फूड। सबसे पहले हमने फूड को लिया, तो फूड के लेने के बाद फूड कहाँ गया? हमारे माउथ में गया। तो माउथ में उस फूड की मुलाकात हुई टीथ के साथ, टीथ ने उसको क्रश कर दिया।
क्रश करने के बाद टंग टंग ने उसको टेस्ट ले लिया और टेस्ट हमें बता दिया, ठीक है ना। तो टेस्ट जानने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें वो फूड ईट करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। चलो, फूड बहुत ही अच्छा था, हमने फूड, अब ईट करने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएगा वो फूड, स्टमक में, स्टमक में क्या होगा, डाइजेशन। इसीलिए नेक्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है आपका, डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होता है, तो बच्चों देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया था कि जूसेस होते हैं। हाँ बेटा बोलो सर। हमें कही सर, सर इफ समवन आस्क्स अस दैट हाउ इज फूड ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्री मोलर टू मोलर, सो सर हाउ विल सर व्हाट वुड बी अवर आंसर। योर आंसर शुड बी प्री मोलर विल पुश द टीथ टुवर्ड्स द मोलर, प्री मोलर टीथ विल पुश द फूड टुवर्ड्स मोलर फॉर मोर ग्राइंडिंग। व्हाट सर, जो प्री मोलर है बेटा, प्री मोलर टीथ जो होते हैं, जो हमारे माउथ में प्री मोलर दांत होते हैं, वो दांत हमारे फूड को मोलर के पास पुश करते हैं, धक्का मारते हैं। उनको गॉड ने इस तरह से बनाया हुआ है कि वो क्रश भी करेंगे और धक्का भी मारेंगे पीछे की तरफ। ओके सर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, आप लोगों को बच्चों याद होगा मैंने बताया था कि जब आपका फूड स्टमक में जाएगा तो वहां पर इसकी मुलाकात HCl से होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होगी, वो पूरे के पूरे फूड को एसिडिक में कन्वर्ट कर देगा। याद करो मैंने बोर्ड पे पूरा डायग्राम बनाया था इसके लिए, HCl से इसकी मुलाकात होगी, देन आफ्टर HCl जो होगा इसके मीडियम को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगा, तो फिर वहां पर वो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होगा। बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होने के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी मुलाकात होगी बाइल जूस के साथ। बाइल जूस क्या होता है, ये एक ऐसा जूस है जो आपके फूड के फैट को डाइजेस्ट करेगा। बच्चों याद रखो, आप लोग जो खाना खाते हो उस खाने में तीन चीजें होती हैं जो सबसे मेन होती हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो इन तीनों में फैट के ऊपर वर्क कौन करेगा, बाइल जूस। बाइल जूस कहां बनता है, लीवर के अंदर। स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। सब कुछ दिया हुआ है बेटा आपकी बुक में, ठीक है। बनता कहां है, लिवर में। स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर में। निकलता कहां से है, गॉल ब्लैडर से। आता कहां पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। करता क्या है, डाइजेशन ऑफ फैट। अच्छा, तो फैट को डाइजेस्ट करके क्या बनाएगा, फैटी एसिड, तभी तो वह एब्जॉर्ब होगा हमारे बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस बनता कहां है, पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज कहां होता है, बिटवीन द ड्यूडेनम एंड इलियम, मतलब हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है और जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के ठीक नीचे क्या होगा, पैंक्रियाज होगा, ठीक है। स्टमक के ठीक नीचे जो हमारे बॉडी का स्टमक है ना, स्टमक, स्टमक के ठीक नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द पैंक्रियाज। इट विल रिलीज अ जूस, दैट विल बी कॉल्ड एज द पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस इज ऑल्सो नोन एज द कंप्लीट डाइजेस्टिंग जूस बिकॉज इट विल हैव ऑल द कंपोनेंट्स विच विल वर्क ऑन प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट। बट बच्चों देखो, याद रखो, फैट के ऊपर तो बाइल जूस ने काम कर दिया, फैट के ऊपर बाइल जूस ने काम कर दिया, बचा कौन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो अब इन दोनों के ऊपर कौन काम करेगा, पैंक्रियाटिक जूस। हाँ, कौन बनाएगा इसको, पैंक्रियाज। ये कहां पे रिलीज होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले, फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले, ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ, समन माइक इज ऑन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले इस फूड का मैक्सिमम डाइजेशन हो चुका होगा, 70-80% डाइजेशन हो चुका होता है। बचा हुआ 20% डाइजेशन, दैट वाज मिनरल्स, मिनरल्स और विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स और विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन और वाटर का एब्जॉर्प्शन।
ठीक है ना, वाटर को एब्जॉर्ब करके वापस हमारे बॉडी में डालना और मिनरल्स और विटामिन को ये एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी में डालना, ये काम किसका होगा? लार्ज इंटेस्टाइन का होगा। ठीक है, तो माउथ से लेकर के इसोफेगस, इसोफेगस से लेकर के स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या होगा? याद रखो बच्चों, डाइजेशन में क्या हुआ? डाइजेशन में जो आपका फूड था वो फूड कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स से आपने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। अब जब फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस फूड का मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या दिया है आपका, एब्जॉर्प्शन। पेज नंबर 29, पेज नंबर 29, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, फूड जब डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू द सिंपलर, मतलब पहले वो क्या था? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, लेकिन अब आपने उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, जब वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, देन आफ्टर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? द न्यूट्रिएंट्स व्हिच वाज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द डिमांड ऑफ द बॉडी। जहां से भी हमारे बॉडी की डिमांड होगी वहां पर इसको हम भेज देंगे। किसको भेज देंगे? वही न्यूट्रिएंट जिसको हमारे बॉडी ने अभी अभी एब्जॉर्ब किया है। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं? एसिमिलेशन। ठीक है ना, नाउ एट द लास्ट एडिशन। अब बच्चों ये सारा कुछ करने के बाद फूड का वो पार्ट जिसका डाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं हुआ वो तो बच जाएगा। ठीक है ना, वो तो बच जाएगा, तो डैट विल बी कॉल्ड एज अ, उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे, इट विल बी कॉल्ड एज अ इजिशन। क्या बोलूंगा मैं इसको? इजिशन। ठीक है, ऑल ऑफ यू प्लीज टर्न ओवर द पेज, पेज नंबर 30, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन इन द रूमिनेंट। बच्चों इसको आज करना है या फिर कल करें, क्योंकि बड़ा टॉपिक है सर। क्या है सर? न्यूट्रिशन इन द रूमिनेंट सर, पेज नंबर 30 सर। तुम हाँ, टॉपिक भी बड़ा है और टाइम भी कम है ना हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, तो जो बचा हुआ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो बच्चों वापस आ जाओ पेज नंबर 29 पे, पेज नंबर 29। चलो तो एजिशन हो गया आप लोग का। ठीक है ना, तो याद रखना बच्चों, देखो बच्चों ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि मतलब हम तो खाना तो खाते ही हैं, सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट करते हो, दोपहर में लंच करते हो, रात को डिनर करते हो, तो आखिर उस फूड का होता क्या है? फूड जब आप अपने बॉडी में लेते हो That will be called as a injection. जब उस फूड का कन्वर्जन होगा कॉम्प्लेक्स टू द सिंपलर, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ डाइजेशन। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद डाइजेशन होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो एब्जॉर्ब हुआ है उसका एसिमिलेशन होगा, मतलब दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेस्पेक्टिव पार्ट ऑफ अवर बॉडी, हमारे बॉडी के रेस्पेक्टिव पार्ट में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज एसिमिलेशन। और सबसे लास्ट में जो निकल जाएगा बाहर, दैट विल बी कॉल्ड एज इजिशन, दैट विल बी कॉल्ड एज इजिशन। ठीक है, तो बच्चों ये सारे स्टेप्स हमने अच्छे से कर लिए। अब ये देखो डायरिया क्या होता है, डायरिया, व्हाट इज डायरिया? वी आर हैविंग द टाइम, वी कैन डिस्कस इट। देखो डायरिया क्या होता है, Sometimes the consumption of dirty food or unclean food, unclean water can result in a condition called diarrhea. It is an infection of the intestine and involves the passage of watery stools very frequently. This led to the loss of useful salt from the body and can cause dehydration. इसकी वजह से हमारी body में dehydration हो सकता है. Dehydration is a condition caused by The loss of water, dehydration is the condition. Dehydration, hydration का मतलब क्या होता है? पानी। उसके आगे मैंने क्या लगा दिया? Dehydration, मतलब मेरी बॉडी में पानी कम हो जाएगा।
Dehydration is a condition caused by the loss of water from the body and can be serious. It can be avoided by giving oral rehydration solution ORS to the patient suffering from diarrhea. The World Health Organization WHO has recommended a simple ORS remedy that can be made at the home by adding salt and sugar water. ORS are also easily available in all the chemist stores. ये क्या बोल रहे हैं बच्चों कि जब कभी भी आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी कब होगी, जब आपको क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा. डायरिया क्या होता है? डायरिया इज द कंडीशन. डायरिया वो कंडीशन है जब आपकी बॉडी अपने बॉडी से ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को लॉस करती है. मतलब वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी इज द वेरी वेरी नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना. हमारे अर्थ पे रहने वाले सभी एनिमल्स की बॉडी वाटर को लॉस करती है, लेकिन उस लॉस का भी अपना एक रेट होता है, ठीक है ना. लेकिन अगर ये वाटर लॉस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ, तब मैं इसको क्या बोलूंगा, डायरिया. डायरिया की वजह से आपके डाइजेशन पर प्रभाव पड़ेगा. योर डाइजेशन मे गेट डिक्रीज. हो सकता है कि आपका डाइजेशन काफी हद तक कम हो जाए, ठीक है ना. और आपके बॉडी में जिन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा, वो न्यूट्रिएंट्स अपने अपने डेस्टिनेशन पर ना पहुंच पाए. क्यों? क्योंकि पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए बॉडी में, तभी तो पहुंचेगा. अरे भाई, आपकी बॉडी में एक ही लिक्विड है, दैट इज नोन एज ब्लड, ठीक है. तो ब्लड लिक्विड क्यों है? क्योंकि उसमें पानी है. अब वही पानी आपकी बॉडी के बाहर निकल गया, तो क्या ब्लड अच्छे से मूव कर पाएगा बॉडी में? नहीं कर पाएगा. जब ब्लड खुद मूव नहीं करेगा, तो आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है ना. तो इसीलिए आपकी बॉडी में वाटर का होना जरूरी है. क्लियर हो गया? चलो, नाउ व्हाट आर द हिकअप्स. हिकअप्स क्या होते हैं? पेज नंबर 29 सबसे ऊपर देख लो. हिकअप्स, व्हाट डू यू नो अबाउट द हिकअप्स. हिकअप्स क्या होते हैं? मतलब हिचकियां. नॉर्मली व्हेन यू इनहेल द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सहेल डायफ्राम एक्सपांड. Sometimes when we say too quickly, when we eat too quickly, the diaphragm goes down with a jerk, which causes air to enter very fast. This air rushing is caused the flap of the top of our windpipe to snap shut briefly, producing the typical hic sound of the hiccup. मतलब ऐसा है बच्चों कि देखो, अगर आप बहुत स्पीड से खाना खाते हो तो आपको हिकअप आएंगे. मतलब खाना खाते खाते अचानक से ऐसे करके कभी कभी आवाज निकलती है हमारे मुंह से, तो क्या बोलते हैं? हिकअप्स बोलते हैं. ये कैसे होगा? क्योंकि चिल्ड्रन, यू ऑल कैन सी द फिगर 2.4. देखो फिगर 2.4 में, अपनी टेक्स्ट बुक में फिगर 2.4 देखो, वहां पर आपको डायफ्राम दिख रहा है. डायफ्राम लिवर के ठीक ऊपर, लिवर के बाजू में, यही वो डायफ्राम है. जब आप खाना खाते हो तो ये डायफ्राम नीचे ऊपर होता है, या फिर जब कभी भी आप सांस लेते हो तो डायफ्राम नीचे ऊपर होता है. लेकिन सांस की वजह से हिकअप का आना, इट इज वेरी वेरी रेयर. हिकअप बेसिकली क्यों जनरेट होगा? बिकॉज ऑफ ईटिंग टू क्विकली. आप काफी स्पीड में खाना खाओगे तो फटाफट आप फूड आपकी स्टमक में जाएगा, आपका स्टमक एक्सपांड होगा. जब आपका स्टमक एक्सपांड होगा तो वो डायफ्राम को पुश करेगा. जब डायफ्राम को पुश करेगा तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाएगा. इसकी वजह से अचानक से एयर अंदर या बाहर हो जाएगी. बच्चों, आप लोग ये बात याद रखो कि अचानक से एयर के अंदर या बाहर होने की वजह से, अचानक से एयर अंदर और बाहर होने की वजह से हिकअप हमारी बॉडी में जनरेट हो जाते हैं. और ये अचानक से कब होगा? जब आप काफी स्पीड में खाना खाओगे. मतलब प्रोबेबिलिटी, जो चांसेस हैं, वो फूड ईटिंग के हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप एक ग्लास ठंडा पानी पी लोगे, देन दैट विल बी डन, ठीक है ना. Okay, children, let me take your attendance today.
हम्म,